नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आखिर कौन है जिसने भारत के प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद अब सरकार एक्शन में आ गई है। अकाउंट किसने हैक किया, इसकी जांच के लिए सरकार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। बताया जा रहा है कि CERT इनको इस काम में लगाया गया है और वो हैकिंग के सोर्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार इस बात को जानने में जुटी है कि इस हैकिंग के पीछे किसका हाथ है और मकसद क्या है। इसके लिए सरकार ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT इनकी टीम को काम पर लगाया है। हैकिंग की तह तक जाने के लिए टीम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम केंद्र सरकार की एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन काम करती है। इसका काम भारत सरकार की हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल @NarendraModi देर रात हैक हो गया था। रात 2:11 पर इससे एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीदकर लोगों को बांट रही है। 2 मिनट बाद इस ट्वीट को हालांकि डिलीट कर दिया गया और फिर 2:14 पर इसी तरह का एक और ट्वीट किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद ही दूसरे ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक इसके शॉर्ट वायरल हो चुके थे। करीब घंटे भर बाद 3:18 पर पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ हुई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। पीएमओ ने कहा है कि इस दौरान जो भी ट्वीट हुए हैं उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए, लेकिन ये मसला गंभीर है। लोग कह रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैक हो सकता है तो फिर आम जनता का क्या। इस बात को मोदी सरकार भी बाखूबी समझती है। इससे पहले कि विपक्ष सरकार पर सवाल उठाए, हैकर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।